भरोसा रख रही मम्मा, ये डाल रही मैं इसी में करूंगी। कराची साइट एरिया में सीमेंट स्टोरंगी के नज़दीक वाक़े डैंग फैक्ट्री के बाहर मुस्तहिकीन में राशन और नकदी की तकसीम की जा रही थी। इस दौरान हजूम में भगदड़ मच गई। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर हो गई। वाक़े की इत्तला पर इमदादी इदारों के कारकुनान मौके पर पहुंचे और मुतासर अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है, भगदड़ मचने से 12 अफराद जहाँ बहक हुए, इनमें 9 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल हैं। 2 लाशें सिविल अस्पताल जबकि 9 लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल लाई गईं। डीसी के मारी मुख्तियार अली अबड़ों ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, जिस वक्त हादसा पेश आया फैक्ट्री के बाहर 500 से 600 अफराद मौजूद थे। माजी में भी ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आ चुके हैं। इस तरह का प्रोग्राम करने से कबल पुलिस और जिले इंतजामिया को आगाह करना और इजाजत लेना जरूरी होता है। फैक्ट्री इंतजामिया ने इतला ना देकर खिलाफ कानून अमल किया। फैक्ट्री मुलाजमीन समेत 7 अफराद को गिरफ्तार और फैक्ट्री को सील कर दिया है। उम्र अदायगी से वापसी पर फैक्ट्री मालिक को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। एसएसपी किमाड़ी फिजा जावरी का कहना है, तमाम अफराद की हलाकतें दम घुटने और भगदड़ मचने से हुई। फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध का कहना है, फलाई कामों के लिए इंतजामिया को बाकायदा इतला देनी चाहिए थी। अफजाल खान, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।